हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम शाइन पर्ल और आज का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट योर डेस्टिनी. तो सबसे पहले डेस्टिनी के बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेते हैं, क्योंकि मैं आज सिर्फ और सिर्फ हिंदी यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को तकलीफ होती है. अच्छा, मुझे एक रिसेंटली एक मैसेज आया था कि क्या हम कोई डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन और क्यों कहा जाता है कि हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं डेस्टिनी की. जिस तरीके से जो वर्ड है इंग्लिश का डेस्टिनी, मतलब किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना, तो वो कौन डिसाइड करेगा? अगर सपोज आप लखनऊ की टिकट काटते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे आप? लखनऊ पहुंचेंगे. अगर आप यूएस की टिकट काटते हैं तो कहाँ पहुंचेंगे आप? यूएस पहुंचेंगे. लेकिन अगर मैं ये बोलती हूँ कि मैं लखनऊ की टिकट काटूंगी लेकिन मुझे जाना तो यूएस है, तो क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं है. मतलब ये लॉजिक ही नहीं बनता है कि मैं लखनऊ का टिकट काट रही हूँ और मैं बोल रही हूँ मुझे भैया अमेरिका पहुंचा दीजिए आप, तो ये पॉसिबल ही नहीं है. तो आपको सही ट्रेन में बैठना भी जरूरी है, सही फ्लाइट पकड़ना भी जरूरी है अगर आप कहीं जाना चाहते हैं. तो वो सही तरीका क्या है? वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. वो सही ट्रेन क्या है? वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप दुनिया में जो भी चीज पाना चाहते हैं वो आप पा सकते हैं बिल्कुल इजीली, अगर आप बेसिक रूल रेगुलेशन को समझ जाए कि किस तरीके से आपको उस चीज को पाना है. ठीक है, तो आप डेफिनेटली पा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं कि आपको एक एक्सरसाइज करनी होती है, आपको आपको बार बार लिखना होता है, या आपको ये सारी चीजें करनी है, आप विजुअलाइजेशन करो, आप ये सब करो. डेफिनेटली ये एक वे है. जब तक कि आप अपने आप में इतने पावरफुल ना हो जाओ कि आप कोई भी चीज आप चाहो तो वो पूरी हो, ठीक है, तो वो एक तरीका है. अगर आपको पावरफुल, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपके पावर्स को आपको बढ़ाना है या जगाना है, दैट विल बी अ बेटर वर्ड. अगर आपको आपके अंदरूनी पावर्स को आपको जगाना है जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो ये कुछ टूल्स होते हैं जिसके वजह से आप वो चीज को पा सकते हैं आसानी से. लेकिन अगर ये कहा जाए कि इन टूल्स के बगैर आप नहीं पा सकते, तो वो बिल्कुल 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 गलत बात है. अगर ये कोई कहता है तो ये बहुत ही गलत बात है. ठीक है, किसी के पास वक्त नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको वो टूल्स ही प्रैक्टिस करनी है. एक सिंपल सा बेसिक रूल है, जो आपको प्रिंसिपल है, जो आपको समझना जरूरी है, कि अगर आप चाह रहे हो कि आप कोई चीज पाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप डिसाइड तो करें कि आप क्या पाना चाहते हो. मे बी आपकी सिचुएशन अभी वो नहीं है, मे बी आप कहीं ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहां से आपको लगता है अब ये रास्ता तो कहीं नहीं लेकर जाएगा मुझे, मुझे यहीं अटक जाना है. तो जब आप ये सोचते हो, हर चीज आपके थॉट्स के साथ क्रिएट होती है, नो मैटर आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्या होता है? आपके थॉट्स क्या क्रिएट हो रहे हैं आपके दिमाग में, आप अपने दिमाग में कौन सी स्टोरी चला रहे हो. अगर आप अपनी स्टोरी लिखना चाहते हो तो मेक श्योर आप पहले अपनी स्टोरी को चेंज करो. अगर आप हमेशा एक विक्टिम कार्ड खेलते रहोगे, नहीं इन लोगों के वजह से मेरा प्लान कैंसिल हो गया, इन लोगों के वजह से मैं यहां फंसा हूं या फंसी हूं, या इन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, तो ऐसा कुछ नहीं है. किसी का पावर किसी पे ऊपर नहीं चलता है. अगर आप बोलेंगे कि मैं आपकी लाइफ को मैनिफेस्ट करके दूं, तो नहीं हो सकता. हाँ, मैं आपको डायरेक्शन, एक गाइडलाइन दे सकती हूं कि आपको जी ऐसा ऐसा करना है, तो इसके थ्रू आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं. ठीक है, तो वही चीज आपको समझनी जरूरी है. जब हम गलत जगह पे कोई चीज को ढूंढेंगे तो क्या आपको आंसर मिलेगा? अगर मैं साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम है और मैं पढ़ के जा रही हूं मैथ्स, तो क्या मैं पास हो सकती हूँ? डेफिनेटली नहीं. तो मुझे अगर पढ़ना है या मुझे कोई चीज पानी है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना जरूरी है. ठीक है, तो आपको कहाँ वो सब्जेक्ट मिलेगा? आपके इनर वर्ल्ड में. जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि इनर वर्ल्ड क्या होता है, आउटर वर्ल्ड क्या होता है. आउटर वर्ल्ड क्या है? आपका रिफ्लेक्शन है. किस चीज का? आपके इनर वर्ल्ड का. और इनर वर्ल्ड क्या है? आपका इमेजिनेशनल वर्ल्ड है. तो इमेजिनेशनल वर्ल्ड क्या होता है? इमेजिनेशन वो होता है कि आप किसी चीज के बारे में कोई इमेज क्रिएट कर रहे हो. और इमेज कैसे क्रिएट होती है? वो आपके थॉट्स से. ठीक है, तो आप जिस तरीके के थॉट्स रखते हो, भले ही वो दूसरों के लिए हो, जैसे कि लॉ ऑफ मिररिंग में मैंने बताया कि वो एक बहुत अच्छा टूल है जो आप यूज कर सकते हो,
टू एग्जामिन कि आपके लाइफ का एक्चुअल में आप कहाँ जा रहे हो. यू नो, वो एक रियलिटी चेक है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको कहाँ ढूंढना है, अंदर ढूंढना है कि हम में क्या कमी है, उस चीज को आपको सही करना है. अगर सपोज आप बार बार उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट टॉक अबाउट या उस बारे में बात करें जो आप चीज चाहते हैं. तो जब आप वो चीज के बारे में दोबारा दोबारा बात करते हैं, भले ही वो झूठ हो सच हो, क्योंकि आप क्या चाहते हो वो आपको पता है. ठीक है, तो अगर आप उसके बारे में कहते हो नहीं मुझे दुबई जाना है, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल कि यार मुझे ना मैंने बहुत घूम लिया लेकिन अब मुझे दुबई जाना है, और आप कभी इंटरनेशनल फ्लाइट में कभी बैठे ही नहीं हो, लेकिन आपकी ख्वाहिश क्या है, आपको जाना है. लेकिन क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग कहाँ स्टक हो जाते हैं, अरे पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, यार वहां मैं गई नहीं हूं, मुझे तो पता नहीं मैं अकेले घूम पाऊंगी कि नहीं घूम पाऊंगी. तो ये क्या होता है, ये आपके थॉट्स आपको क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक हैबिट होती है, थॉट का एक पैटर्न होता है. जब भी कोई पॉजिटिव थॉट होता है तो 10 नेगेटिव थॉट्स या 10 नेगेटिव रीजंस आपके पीछे से उसको क्लच बैक करते हैं. तो क्या होता है, तो वो क्या होता है, आपका नेगेटिव पैटर्न जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. तो आपको ये जो पैटर्न है, आपका जो नेगेटिव थॉट का जो पैटर्न है, वो आपको बदलना है, वो आपको ब्रेक करना है. तो वो आप कैसे करोगे, बाय कन्वर्टिंग दैट नेगेटिव थॉट इनटू पॉजिटिव. ठीक है, अब आप पूछोगे कि इतना कॉन्शियस कैसे मैं रह सकती हूँ, यू नो, कि हर बार मुझे चेक होना कि ठीक है मैं कैसा फील कर रही हूँ. वो आपका इंडिकेशन होता है कि आप अभी कीप आस्किंग योरसेल्फ, आप अपने आप से पूछते रहे हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, मुझे क्या फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, ओके आई डू दिस. अगर मुझे बुरा फील हो रहा है तो थॉट्स पे तुरंत आप जाएं कि क्या मैंने ऐसा चीज मैं सोच रही हूं, या कौन सी ऐसी चीज मैं यू नो बार बार फोकस कर रही हूं जिसके वजह से मुझे ये फीलिंग जनरेट हो रही है. फीलिंग कब जनरेट होती है, जब आप किसी थॉट को ज्यादा देर तक पकड़ के रखते हैं. 17 सेकंड से ज्यादा अगर आप किसी थॉट को पकड़ के रखते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है, ये भी एक लॉ है. ठीक है, तो 17 सेकंड्स रूल कहते हैं इसे. तो जिस 17 सेकंड्स रूल जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली आप 17 सेकंड्स के लिए सोच रहे हैं, तो क्या होता है, वो थॉट ऑटोमेटिकली सच मानने लगता है आपका सबकॉन्शियस माइंड. जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जब उस चीज को थॉट को सच मानने लगता है, तो क्या होता है, आपकी फीलिंग जनरेट होने लगती है और आपको वो फील होने लगता है. ठीक है, अगर आप अच्छे फील कर रहे हो, इफ यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ देन कीप डूइंग दैट, इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट तो चेक ऑन योर थॉट्स. अब बारी आती है कॉन्शियसनेस की. ठीक है, कि कैसे आप चेक रख सकते हो अपने थॉट्स पे, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. तो ये काम कौन करता है, ये काम सॉल्व करने का काम करता है हमारा मेडिटेशन. मेडिटेशन मतलब एकांत में बैठ के अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना कि दिन भर में आपके क्या थॉट्स आते हैं, कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है. डोंट जज देम बट एटलीस्ट कीप आई ऑन इट कि आपको कहां कौन सी चीज बदलनी है. ठीक है, अगर आप अपने लाइफ में नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव चीजें भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके थॉट्स पे. आपके फीलिंग्स जो होते हैं वो वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन जब मैच होता है आपके इनर बींग वाइब्रेशन से, जैसे मैंने बोला आपका पिछले वीडियो में व्हाई यू फील सैड, व्हाई यू फील गुड, तो ये रीजन है उसके पीछे. तो अगर आप वो प्रिंसिपल समझ जाओगे तो आप ये प्रिंसिपल भी समझ जाओगे कि क्यों इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको अच्छा फील करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है. तो जब आप अच्छा फील करोगे तो डेफिनेटली आप अच्छी चीजें अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आप एक थॉट दूसरे थॉट को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा तीसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तीसरा चौथे को अट्रैक्ट कर रहा है, और वही चीज आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो. तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. मतलब इससे ज्यादा मुझे लगता है कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं होगा. तो आपको किस पे चेक रखना है, आपको अपने थॉट्स पे चेक रखना है. कैसे रखेंगे आप, थ्रू कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस कहां से आती है, थ्रू ब्रेथ वर्क, थ्रू मेडिटेशन. ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट करें. ठीक है, मेडिटेशन में आप अपने थॉट्स पे चेक रख सकते हैं. मेडिटेशन इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, और ये लॉर्ड बुद्धा, जीसस क्राइस्ट, आई कैन से ऑल द प्रॉफिट्स वर डूइंग मेडिटेशन.
जिनके थ्रू उन्हें समझ आई चीजों की और जिनके थ्रू उन्होंने अपने लाइफ में ही नहीं अपने आसपास के लोगों की जिंदगी भी ट्रांसफॉर्म की, उन्हें पॉजिटिव बनाया। ठीक है, व्हाट इज गॉड? गॉड इज द मोस्ट पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेयर्स आंसर हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी चीजें सॉल्व हो जाए, तो स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव। हर चीज के दो पहलू होते हैं, बिकॉज वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। दो पहलू होते हैं। दो पहलू क्या होते हैं? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव को हम लोग कहते हैं डेविल या इविल, और पॉजिटिव को कहते हैं गॉड या स्पिरिचुअल। समझ में आ रहा है? तो कौन सा साइड आपको चुनना है ये आपके ऊपर है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू साइंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ यूनिवर्स, क्या कहता है? जब आप पॉजिटिविटी को चुनते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें आपकी लाइफ में होती है। और इसमें आपका खुद का बिलीफ सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या चीज पॉजिटिव है, क्या चीज नेगेटिव है। बहुत लोगों की अच्छी चीजों के आसपास भी नेगेटिविटी मंडरा रही होती है। बहुत लोगों को, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मुझे देना है तो मैं ये बोलूंगी कि कई लोगों के दिमाग में होता है कि मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। पैसा जो है वो इविलनेस लाता है, वो बीमारियां लाता है, वो परेशानियां लाता है, वो ये लाता है, वो लाता है। तो आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। दैट्स सिंपल बेसिक थिंग। बहुत बार ऐसा होता है लोग कोई चीज नहीं कर पाते तो लोग कहते नहीं इनके वजह से मेरा ना काम बिगड़ गया। उनके वजह से आपका काम नहीं बिगड़ा, क्योंकि आपने अपने पावर को कम कर दिया। आपने ये सोचा कि कोई और इंसान आपके लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। तो क्या हो रहा है? आपके सराउंडिंग के जो लोग हैं वो आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप पहले अपने थॉट्स पे चेक करें कि कौन सी थॉट अच्छी है, कौन सी थॉट को आपको रखना है, कौन सी थॉट्स को आपको डिस्कार्ड करना है। जिस तरीके से हम अपने वार्डरोब को डिसाइड करते हैं, ठीक है, माँ बाप ने क्या बोला, किसने क्या बोला, क्यों बोला, वो सारी चीजें आप छोड़ दो, ब्लेम करना छोड़ दो। अब आप अपने लिए एक नया बिलीफ सिस्टम बनाएं। अगर आप पैसा कमाने में आपको खुशी मिलती है तो करिए, डेफिनेटली, बिकॉज मनी इज नॉट द रूट कॉज ऑफ इविल। योर थॉट्स, योर माइंड इज द रूट कॉज ऑफ एवरीथिंग, हैप्पीनेस और इविलनेस, डिपेंडिंग अपॉन यू। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। टिल दैट टाइम आई विल टेक द साइन ऑफ, और मैं आऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ अगले वीडियोस में। और अगर आपने मेरे लाइफ मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे लाइफ नहीं यार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद द वर्ल्ड। ब्रिंग पॉजिटिविटी अराउंड यू, क्योंकि ये इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ही फायदा है। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, जितना एनर्जेटिक आप फील करोगे, उतना ज्यादा अच्छी चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी। टिल दैट टाइम स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।